है छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर की, जहां विकास की बयार बह रही है। पिछले एक साल में किए गए कार्यों की बदौलत शहर की तस्वीर बदलने लगी है। शहर के चहुमुखी विकास के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए जा रहे काम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। बिजली, पानी, सड़क से लेकर शहर में हर सुविधा को चाक चौबंद किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर है। बिलासपुर अब तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है। शहर की पहचान न्यायधानी, संस्कारधानी के साथ ही अब स्मार्ट और डिजिटल एजुकेशन के लिए भी होने लगी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में प्रदेश का पहला और इकलौता सेंट्रल ई लाइब्रेरी और इंक्यूबेशन सेंटर शहर के स्मार्ट और डिजिटल एजुकेशन को खास बना रहा है। युवाओं को शिक्षा से जोड़ने और विश्व स्तरीय एजुकेशन मटेरियल उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ जनवरी 2021 में 1,82,00,000 रुपए की लागत से बिलासपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने प्रदेश को शहर में डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र के नाम पर सेंट्रल डिजिटल ई लाइब्रेरी की सौगात दी। खुद सीएम भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन करते हुए इसे युवाओं को सौंपा। बिलासपुर की सेंट्रल ई लाइब्रेरी प्रदेश की पहली डिजिटल हाईटेक और सर्व सुविधा युक्त ई लाइब्रेरी है, जहां एक ही छत के नीचे डिजिटल प्लेटफॉर्म में 5,000 से ज्यादा ई बुक, 5,000 से ज्यादा फिजिकल बुक और किड्स जोन के रूप में युवाओं को एजुकेशनल मटेरियल उपलब्ध हो रहा है। इससे पहले बिलासपुर शहर में कोई भी सरकारी लाइब्रेरी नहीं था, जो भी लाइब्रेरी थे वो प्राइवेट लाइब्रेरी थे और वहाँ फीस काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। यहाँ इसके खुलने के बाद, नगर निगम के द्वारा खोले जाने के बाद, यहाँ काफ़ी सस्ते में और काफ़ी सुविधाजनक है। ये किसी भी प्राइवेट लाइब्रेरी से ज़्यादा सुविधाजनक है। यहाँ कंप्यूटर इत्यादि, वाईफाई इत्यादि सारे सुविधा हमें प्राप्त होते हैं। अगर आप यहाँ की लाइटिंग देखें तो किसी भी लाइब्रेरी से आपको अत्यधिक लाइटिंग, एसी, पंखा, ये सब आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। साथ में जो यहाँ का सिस्टम है वो ऐसा है कि एक टेबल में 4 लोग बैठते हैं। यहाँ टेबल में पढ़ते हुए समस्या होती है, तो हम चाहें तो जाकर कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। और जैसे मुझे एक टेस्ट देना था, वो टेस्ट मैंने कंप्यूटर में दिया था। तो इस प्रकार का सुविधा है कि आप कंप्यूटर और साथ में टेबल में दोनों जगह मिक्स करके भी स्टडीज़ कर सकते हैं। और साथ खुलने का समय भी 8 से 8 है, जो कि काफ़ी अच्छा समय होता है पढ़ने के लिए। जब हमने शुरू में एडमिशन लिया था तब यहाँ बुक काफ़ी कम थे, लेकिन जैसे जैसे हमने लाइब्रेरी के स्टाफ से रिक्वेस्ट किया, यहाँ काफ़ी सारे बुक आते गए। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा से रिलेटेड जो किताब हैं वो मिल जाएंगे। तो इसमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है और बहुत सही माहौल रहता है यहाँ का। मतलब सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और बहुत साइलेंस रहता है, तो आप चाहे तो कैसे भी स्टडी कर सकते हैं, चाहे तो नेट यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो बैठ के एकांत में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतने सारे लोग हैं तो कोई शॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस है या कुछ भी है। सारे बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। फिर बाकी लाइब्रेरी है तो बुक्स भी अवेलेबल हैं सारी, तो आपको जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो चाहे तो नेट का यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो लाइब्रेरी से ले सकते हैं। आसपास के एरिया के बच्चे हैं जिनको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस है कि घर में नहीं हो पा रही है पढ़ाई या बाहर जो कोचिंग छोड़ के अभी बैठे हैं, तो एक कांस्टेंट 7 to 8 hours की सीटिंग है, उससे ज़्यादा आप भी आप कर सकते हैं, तो उसमें एक थकावट सी नहीं लगती। दूसरों को देख के जोश आता है कि वो पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको ई लाइब्रेरी भी कहते हैं, स्थापित की गई है। इसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा पुस्तकें डिजिटली वहाँ पर स्टोर्ड हैं और उनको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। और अभी की स्थिति में वहाँ के माहौल को देखते हुए, हमको वहाँ की लोकप्रियता को देखते हुए, वहाँ पर हमको उसको 2 shifts में रन करना पड़ रहा है, क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा हो गए। लोकप्रियता इतनी अधिक है कि हमने शुरू में उसको लगभग 400 मेंबरशिप के लिए डिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन अभी वहाँ पर 780 से अधिक लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर विकास के नए आयाम छू रहा है। शहर की तस्वीर दिनों दिन बदल रही है। राजेंद्र नगर पार्क और नेहरू चौक को
नया स्वरूप दिया गया है। राजेंद्र नगर उद्यान में आकर्षक कलाकृतियां और खूबसूरत फाउंटेन लगाए गए हैं। यहां फूलदार पौधों के साथ ही लेमन ग्रास लगाई गई है। खूबसूरत लाइटिंग शहर को चार चांद लगा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की तीन सड़कों महाराणा चौक से व्यापार विहार रोड, मिट्टी तेल गली और नेहरू चौक से मंगला तक की सड़क को स्मार्ट रोड बनाया गया है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बचपन से देखते आ रहा हूँ, लेकिन अभी जिस प्रकार से इसको बनाया गया है, ये बहुत ही मतलब बढ़िया है। इसको एक नंबर मतलब आज के डेट में बच्चे लोगों को हम लोग खुद हर हफ्ते या फिर हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से मतलब लाइटिंग भी किया गया है, फव्वारे भी लगाए हैं, बहुत बढ़िया ही मतलब अच्छा डेकोरेशन किया गया है। और सैनिक लोगों को थोड़ा इस टाइप का भी दिया है, बच्चों को ज्ञान भी मिलता है इससे, बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा गार्डन है, शहर के बीचों बीच है। बहुत कुछ ये जो मतलब बांस वाला जो आर्ट है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइटनिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है, झरना सब अच्छा है। ये काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि और बहुत सारे गार्डन हैं, जैसे कंपनी गार्डन हो गया, रिवर व्यू है, उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे पास का पास है, बाकी बच्चों के लिए और हम लोग के लिए भी एंटरटेनिंग है, अच्छा है। फुहारा और ये सारे जो पुतले बने हैं वो भी तो है नए, बाकी गार्डन में तो नहीं है ये चीज़ें ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब देखेंगे, व्यापार विहार रोड तैयार हो गया है और पूरी तरीके से उस रोड का उपयोग वहाँ के आवागमन को व्यवस्थित करने में हो रहा है। उसके अलावे मंगला से नेहरू तक के सड़क की चौड़ीकरण हो चुकी है, उस तरीके से सुसज्जित और सौंदर्यीकरण भी किया गया है, जिससे कि थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर लगे और थोड़ा गर्व भी महसूस हो। सौंदर्यीकरण के दूसरे कार्य भी जो देखने को मिल रहे हैं, राजेंद्र नगर गार्डन की पॉपुलरिटी आप शाम को समझ ही सकते हैं। वहाँ पर हमको शाम को ट्रैफिक के व्यवस्थापन करना पड़ रहा है, ट्रैफिक का व्यवस्थापन भी एक मुद्दा वहाँ पर आ गया है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो रहा है लोगों में। हमने तारामंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शहर के लोगों को समर्पित किया गया है। बिलासपुर शहर में साल भर के अंदर कई विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। जो रुके हुए थे उनका टेंडर भी जारी हो गया है। शहर की जीवनदायिनी अर्पा नदी को संवारने के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 93,70,00,000 रुपए की लागत से अर्पा उत्थान और तट संवर्धन के काम कर रही है। शहर में पार्किंग को बेहतर बनाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टी लेवल कार पार्किंग, तो पुरानी बस स्टैंड में प्रदेश की पहली ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने की भी तैयारी जोर शोर से जारी है। स्मार्ट सिटी ने अर्पा के दोनों किनारों पर एक 4-लेन सड़क लिया, उसके आसपास सौंदर्यीकरण को लिया तथा सड़क के दोनों ओर नाला बनाया जा रहा है, जिससे कि उस 1.8 किलोमीटर की दूरी पे जो भी नाले जाके अर्पा में मिलते उनके पानी को रोक के और उसको ट्रीट करके फिर नदी में छोड़ सकें। हमने अभी इंदिरा सेतु से लेकर के मंगला तक तथा दूसरी ओर इंदिरा सेतु से लेकर के कोनी तक का नाला लिया हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत। इस नाले में 4.3 से 4.7 किलोमीटर लंबाई के नाले होंगे और इस नाले के ऊपर में एक 3 मीटर की रोड भी होगी जो कि बैराज तक कनेक्ट करेगी। बिलासपुर की तस्वीर बदलने वाले काम अभी और भी रफ्तार पकड़ेंगे। करोड़ों रुपए के और भी विकास कार्य किए जाने हैं, जिनमें महिलाओं के लिए विशेष तौर पर पिंक स्टेडियम, प्राचीन टाउन हॉल का जीर्णोद्धार, महानगर की तर्ज पर बिलासपुर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम की स्थापना, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सिटी सर्विलांस के साथ अन्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग आईटी तकनीक के जरिए किए जाने की योजना है। इन सभी कामों को 1 साल के भीतर किए जाने की योजना तैयार कर ली गई है, यानी आने वाले समय में बिलासपुर की तस्वीर और भी निखरी नजर आएगी। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।